सिक्स्थ यूनिट देखेंगे आज अपन, सबसे पहले क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। कौन करता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट? NSCCL। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSCCL? नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडिया में नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंडरटेक्स द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन द F&O सेगमेंट। F&O सेगमेंट में क्लियरिंग एंड सेटलमेंट NSCCL। नाउ देयर मेजरली थ्री क्लियरिंग एंटिटीज। सबसे पहले क्लियरिंग मेंबर्स, कितने टाइप के क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं? तीन टाइप। कौन कौन से? अपने ट्रेड्स क्लियर कर सकते। सेकेंड इज ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग मेंबर कौन है? जो ट्रेडिंग मेंबर भी है, जो ब्रोकर भी है और क्लियरिंग मेंबर भी है, तो वो अपने सौदे भी क्लियर करते हैं, दूसरे ट्रेडिंग मेंबर्स की भी सौदे क्लियर। ठीक है। और तीसरे होते हैं प्रोफेशनल क्लियरिंग। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर प्रोफेशनली सिर्फ क्लियरिंग का काम करते हैं, वो ट्रेडिंग मेंबर नहीं होते हैं, और वो सिर्फ प्रोफेशनल क्लियरिंग का काम करते हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये प्रोफेशनल क्लियरिंग। सेकेंड एंटिटी इन द क्लियरिंग एंटिटीज आर क्लियरिंग बैंक्स। सारा जो फंड सेटलमेंट का काम होता है वो क्लियरिंग बैंक्स मैनेज करते हैं। उसके लिए क्लियरिंग मेंबर्स को एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलाना होता है, ठीक है, NSCCL के साथ, और उससे क्लियरिंग सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं। अब सपोज मेरी एक प्रोप्राइटरी पोजीशन है, मैंने बाय कर रखे हैं 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1000 और सेल किए 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1010। एट द एंड ऑफ द डे मेरी पोजीशन क्या होगी? 200 माइनस नेट से 200 नेट माइनस 200। ठीक है। ऐसे अगर मेरे क्लाइंट भी करते हैं तो उनकी भी पोजीशन मेरी पोजीशन में ऐड होती जाएगी, क्योंकि मैं ट्रेडिंग मेंबर हूं और मेरे नीचे मेरे क्लाइंट्स हैं। ठीक है। तो ये ऐड होती जाएगी। मैंने आपको समझाई थी ना, ये पोजीशंस ऐड होती जाएंगी। सपोज मेरे क्लाइंट्स की ओपन पोजीशन है 400, ठीक है, और मेरी है माइनस 200, कितने हो जाएंगे मेरी टोटल पोजीशन? 600 हो जाएगी। 200 नहीं हो, टोटल नंबर ऑफ माइनस से वो 400 ये प्लस होगी तो 200 नहीं हो। वही मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर शॉर्ट पोजीशन है चाहे लॉन्ग पोजीशन है, दैट वुड बी एडेड। क्यों रोज क्लियरिंग की जाती है? ठीक है। द क्लियरिंग मैकेनिज्म एसेंशियली इन्वॉल्व्स वर्किंग आउट ओपन पोजिशन। दिन की ओपन पोजीशन पता की जाती है, उससे क्या पता किया जाता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड फंड रिक्वायरमेंट, कितना मार्जिन लगेगा और कितना एक्सपोजर चाहिए अपने। ठीक है। इससे बेसिकली ये पता चलता है। क्लियरिंग मेंबर की ओपन पोजीशन अलग से निकाली जाती है। क्लियरिंग मेंबर की ओपन पोजीशन निकालने के लिए उनके सारे ट्रेडिंग मेंबर की ओपन पोजीशन का सम होगा, प्लस हो जाएंगी इन सब की, तो एक क्लियरिंग मेंबर की ओपन पोजीशन निकलेगी। वैसे ही एक ट्रेडिंग मेंबर की ओपन पोजीशन कैसे निकलेगी? उनके क्लाइंट्स की ओपन पोजीशन से। ठीक है। ये हायरार्की है, इन सब को ऐड करके एक ट्रेडिंग मेंबर की ओपन पोजीशन निकलेगी। जो दूसरा ट्रेडिंग मेंबर है, सपोज आज इंदिरा सिक्योरिटीज, तो इंदिरा सिक्योरिटीज की क्लाइंट की पोजीशन ओपन पोजीशन सम अप होके टोटल इंद्रा सिक्योरिटीज की निकलेगी। वैसे ही एंजल ब्रोकिंग है,
एंजल ब्रोकिंग की क्लाइंट्स की सारी ओपन पोजीशन समअप होके एंजल सिक्योरिटी एंजल ब्रोकिंग की ओपन पोजीशन निकलेगी. और अगर इंदिरा सिक्योरिटीज और एंजल ब्रोकिंग दोनों एक ही क्लियरिंग मेंबर के अंडर है, ठीक है, तो इन दोनों की सम होके उस क्लियरिंग मेंबर की पोजीशन निकलेगी. ठीक है, सेटलमेंट कैसे होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में? सबसे पहले ऑल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर कैश सेटल, ठीक है, इसमें डिलीवरी नहीं मिलती, कैश सेटलमेंट होता है थ्रू एक्सचेंज ऑफ कैश. हालांकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज कैन बी डिलीवर्ड इन द कैश मार्केट, कैश मार्केट से डिलीवरी मिल सकती है. कैश मार्केट में अगर अपन अगर हेजिंग के लिए अगर अपन F&O यूज कर रहे हैं तो अपने को अगर अपनी कैश मार्केट में कोई पोजीशन है तो वहां से डिलीवरी मिल सकते हैं, F&O के किसी कॉन्ट्रैक्ट पे डिलीवरी नहीं मिलेगी. ठीक है, अब सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप के सेटलमेंट होते हैं, एक M2M होता है, दूसरा कौन सा टाइप का सेटलमेंट होता है? फाइनल सेटलमेंट. ठीक है, M2M कब होता है? एट द एंड ऑफ द डे. कंटीन्यूअस बेसिस पे होता है, रोज होता है. ठीक है, क्या होता है M2M पे? सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ईच ट्रेडिंग मेंबर आर मार्क्ड टू मार्केट टू द डेली सेटलमेंट प्राइस. रोज की सेटलमेंट प्राइस पे M2M होता है, प्रॉफिट्स ऐड होते हैं, लॉसेस सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं. कौन सी प्राइस पे होता है ये? क्लोजिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है रोज के हिसाब से? जो लास्ट 30 मिनट्स में जो ट्रेड हुए हैं उनके उनका एवरेज प्राइस निकलता है, दैट इज कंसीडर्ड एज द क्लोजिंग प्राइस फॉर मार्किंग टू मार्केट. ठीक है, देन ये सीएम के लिए भी निकाला जाता है, सारे टीएम का ऐड करने के लिए करके, और टीएम के लिए सारे क्लाइंट्स का ऐड करके निकाला जाता है. और इन केस द सिक्योरिटी व्हिच यू आर डीलिंग इन इज इलिक्विड, जिसमें ट्रेड नहीं हुआ है आज के दिन में, तो हाउ वुड यू फाइंड द प्राइस, क्लोजिंग प्राइस कैसे निकालेंगे सौरभ? अगर मैं जिस सिक्योरिटी में डील कर रही हूँ उसमें आज कोई ट्रेड नहीं हुआ है, देन हाउ वुड आई फाइंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, में कैसे निकालूं? By the formula of cost of carry, which is F is equal to S e raised to RD. इससे जो value आएगी, that would be considered as the closing price of that contract. ठीक है इर्शा? At the end of the session, है ना? At the end of the session. अब how would I compute MT? एक we'll take an example. ये मेरी trade details है. This is the quantity bought and sold. Settlement price. कल का एक सौदा मेरा आज कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड कल का सौदा है, आज कैरी फॉरवर्ड हुआ है 100 rupees एट द रेट ऑफ 100. ठीक है, मेरा इसका आज का सेटलमेंट प्राइस निकला 105 rupees. ठीक है, वैसे ही आज मैंने एक ट्रेड किया है 200 एट द रेट ऑफ 100 एट द रेट ऑफ 102 का सेटलमेंट प्राइस निकला है 102. ये आज का ट्रेड है. और एक मेरी पोजीशन नॉट स्क्वायर, मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया आज के दिन में, 100 एट द रेट ऑफ 100 की इसका सेटलमेंट प्राइस है 105.
ठीक है, कैसे निकाला मैंने ये सेटलमेंट प्राइस, पूछा ही नहीं आप लोगों ने। देखो हाँ, जो कल के कैरी फॉरवर्ड है उनका कैसे निकलेगा सोचो और बताओ। कल का जो कैरी फॉरवर्ड कराया मैंने आज, तो कल के क्लोजिंग प्राइस से मार्जिन कैसे निकलेगा, आज का सेटलमेंट प्राइस माइनस कल का प्राइस, कल का क्लोजिंग प्राइस कितना हो गया 105 माइनस 100 दैट इज 5 रुपीस, 5 रुपीस और 100 शेयर्स, मेरा मार्जिन कितना बनेगा 500 रुपीस, ठीक है प्रॉफिट में। कल की क्लोजिंग थी 100 रुपीस, आज का सेटलमेंट प्राइस है 105 रुपीस, कितना डिफरेंस है 105 माइनस 100 व्हिच इज 5 रुपीस।